आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले कुर्बानी और नमाज को लेकर क्या कहा है? आरएसएस के नेता इंद्रेश का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने किसे अहंकारी कहा है जानिएगा। ये भी बताएंगे परिषदीय स्कूल अब कब खुलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में किसे नोटिस जारी किया है, और भी बहुत सी खबरें हैं जिन पर हम बुलेटिन में चर्चा करेंगे। अब खबरें विस्तार से। बकरीद पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, केवल निर्धारित जगहों पर ही नमाज की अनुमति दी गई है। बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक रहेगी। इस बार इससे एक दिन पहले 16 जून को गंगा दशहरा है, 17 जून को बकरीद है, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ कई आयोजन होंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश बोले, अहंकार ने बीजेपी को 241 सीटों पर रोका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को बीजेपी को अहंकारी बताया है और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी कहा है। जयपुर के पास कनौता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 2024 में रामराज का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 241 सीटों पर रोक दिया, लेकिन भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक के आरोपों पर जवाब मांगा है। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। सीबीआई जांच वाली याचिका हितेश सिंह कश्यप ने दायर की थी। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ाई गईं। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इसकी जानकारी दी। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने गर्मी की छुट्टियाँ बढ़ाने की मांग की थी। कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोची लाए गए। कुवैत के मंगाफ में बुधवार 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। ये केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। केरल के सीएम विजय ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। वहीं जान गंवाने वाले अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश यूपी के 3-3 और बिहार उड़ीसा कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड हरियाणा पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग हैं। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे इटली। पीएम मोदी G7 सम्मेलन के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को इटली के अपुलिया पहुंच गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। उम्मीद है कि दुनिया भर के नेताओं से सकारात्मक और नतीजे देने वाली बातचीत होगी। आंध्र में 16,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने गुरुवार को राज्य में 16,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने एक जनरल ऑर्डर के जरिए 16,347 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 2024 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। TDP ने कहा है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान ने PNG को 7 विकेट से हराया। T20 विश्व कप 2024 के 29वें मैच में अफगानिस्तान ने पपुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया है। ये मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। वहीं पपुआ न्यू गिनी की टीम 19.5 ओवर में 95 रन पर सिमट गई। जवाब में अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर में 3 विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया। अजीत पवार की पत्नी ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल बारामती लोकसभा सीट से हारने के बावजूद NCP ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। वहीं NCP के इस फैसले से पार्टी नेताओं में काफी नाराजगी की बात कही जा रही है। बता दें, छगन भुजबल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में थे। दिल्ली में होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक।
जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में होगी। इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके लिए जदयू ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा होगी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत, कई लापता। देश के उत्तरी राज्य में हीटवेव और तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। दूसरी तरफ नॉर्थ में भारी बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से जारी बारिश के चलते सिक्किम में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ में सैकड़ों घर और कई सड़कें बह गई हैं। वहीं पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। कई लोगों की लापता होने की खबर है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।